नमस्कार, सत्यहिंदी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई में फिर तनातनी शुरू हो गई है। पिछले दिनों जब सीबीआई ने बंगाल के अधिकारियों और टीएमसी नेताओं के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए थे तो उस समय भी तनातनी बढ़ गई थी। ताजा मामला थोड़ा गंभीर है। बीरभूम हिंसा मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ललन शेख की कथित तौर पर सीबीआई हिरासत में आत्महत्या के बाद बंगाल पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बता दें, बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में जनवरी 2022 में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक ललन शेख की सोमवार 12 दिसंबर को कथित तौर पर सीबीआई हिरासत में मौत हो गई थी। सीबीआई का कहना है कि उसने खुदकुशी की। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हैं। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट में इस एफआईआर को चुनौती देगी। हालांकि बंगाल पुलिस ने ललन शेख के परिवार द्वारा की गई शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में बुधवार को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में चल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का सफर तय करते हुए राजस्थान पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा कुल 3,570 किलोमीटर की है। इस यात्रा को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। रघुराम राजन कुछ देर के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर के भाडोती इलाके से गुजर रही इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने यात्रा में शिरकत की। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे ही राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर की जाने वाली उनकी टिप्पणियों को खारिज करने की बात कही। बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के द्वारा नियुक्त आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। वो खुद को अगला मनमोहन सिंह मानते हैं। उन्होंने कहा कि बस इतना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर उनकी टिप्पणी को तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए, वो अवसरवादी हैं। भाजपा की दिल्ली इकाई के आईटी प्रमुख पुनीत अग्रवाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था या केंद्र की योजनाओं की आलोचना करने वाले राजन के बयानों की क्लिपिंग साझा की और लिखा, हाँ अब ये समझ में आता है रघुराम राजन। बता दें, रघुराम राजन ने साल 2016 में दोबारा गवर्नर बनने से इनकार कर दिया था। रघुराम राजन आर्थिक नीतियों को लेकर मोदी सरकार की कई बार तीखी आलोचना कर चुके हैं। रघुराम राजन ने साल 2019 में कहा था कि प्रधानमंत्री, पीएमओ और उससे जुड़े कुछ लोग ही तमाम नीतियां बनाते हैं और फैसले लेते हैं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 17 लोगों के मारे जाने को लेकर आज विधानसभा में हंगामा मचा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर उस समय भड़क गए जब भाजपा विधायकों ने छपरा जहरीली शराब त्रासदी को लेकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। शोर शराबे के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद आक्रोशित हो गए। नीतीश कुमार विपक्षी भाजपा पर शराबी हो गए हो तुम कहकर चिल्लाए। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनको काफी ज्यादा गुस्से में देखा जा सकता है। भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन पर नीतीश को वीडियो में ये चिल्लाकर कहते हुए सुना जा सकता है, क्या हुआ, चुप रहो, उन्हें सदन से बाहर निकालो। उन्होंने कहा कि शराबी हो गए हो तुम। नीतीश ने कहा कि जब शराबबंदी की थी तो सब लोग इस फैसले के साथ थे। नीतीश कुमार ने विपक्ष यानी बीजेपी के सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए उबल पड़े और कहा, तुम शराब के पक्ष में बोल रहे हो, शराबी हो क्या, आज जो कर रहे हो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आज साथ नहीं हूं, पहले क्या बोलते थे। आम आदमी पार्टी और बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव में जोर शोर से उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी की मुंबई इकाई ने कहा है कि उसने पिछले एक महीने में 1 लाख से ज़्यादा नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा है। वो जोर शोर से मुंबई में सदस्यता अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान को मुंबई में भी केजरीवाल का नाम दिया है। बता दें, मुंबई में जल्द ही बीएमसी के चुनाव का ऐलान हो सकता है। इस बीच मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा है कि बीएमसी के चुनाव में उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। उन्होंने कहा कि बाकी राजनीतिक दलों का मुंबई में अब कोई आधार नहीं रह गया है। शायद बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी यहां कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट को मिलने वाले वोटों में सेंध लगा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद में एक अहम घटनाक्रम हुआ है। कर्नाटक में विलय का प्रस्ताव पास करने वाली 11 में से 10 ग्राम पंचायतों ने अपना प्रस्ताव रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सोलापुर जिले के अक्कलकोट की 11 ग्राम पंचायतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में उनसे ये पूछा गया था कि वो बताएं कि उन्होंने कर्नाटक में विलय का प्रस्ताव क्यों पास किया था।
लेकिन 11 में से 10 गांवों ने राज्य सरकार को बताया है कि उन्होंने अपना प्रस्ताव रद्द कर दिया है और वो महाराष्ट्र के साथ ही रहना चाहते हैं। ये बेहद अहम घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से ठीक पहले हुआ है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के 94 पूर्व पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को BMC में कथित रूप से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा गया है कि जब से BMC का कार्यकाल खत्म हुआ है और नई सरकार आई है, तभी से BMC के टेंडर और दूसरे कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पार्षदों ने चिट्ठी में लिखा है कि इससे BMC के अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री फौरन कार्रवाई करें। इस चिट्ठी के बाद एशिया की सबसे धनी महानगर पालिका BMC पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 3 पेज की चिट्ठी में सभी पार्टियों के पूर्व पार्षदों के दस्तखत हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम से एक पैनल का गठन किया है। एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया है कि इस तरह के विवाहों में जोड़ों और महिलाओं के मायके के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाए। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री और BJP नेता मंगल प्रभात लोढ़ा उस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वो समिति ऐसे विवाहों में महिलाओं के लिए जिला स्तर की उन पहलों की निगरानी करेगी जो अपने मायके परिवारों से अलग थलग हो सकती हैं। ऐसा इसलिए कि जरूरत पड़ने पर सहायता दी जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब हाल ही में श्रद्धा वालकर की हत्या का मामला सामने आया। श्रद्धा वालकर के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। महाराष्ट्र में भी इस पर बहस शुरू हुई और इसी को लेकर राज्य सरकार ने अब एक पहल शुरू की है। सरकार प्रस्ताव ले आई है। प्रस्ताव के अनुसार ये पहल इन महिलाओं और इनके परिवारों को परामर्श देने, बातचीत करने या मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच मुहैया कराएगी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के मामले में अमेरिका ने भी बयान जारी किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो हालात पर पैनी नजर रख रहा है। अमेरिका की ओर से भारत के द्वारा तनाव कम करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करने की बात भी कही गई। इस झड़प को लेकर भारत में विपक्ष जहां मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार ने भी संसद में बयान जारी किया है। सरकार ने कहा है कि चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर को यांगत्से इलाके में LAC पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एकतरफा बदलने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने इसका दृढ़ता और बहादुरी से सामना किया। मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने कहा कि यह अच्छी बात है कि दोनों ही देशों ने झड़प के बाद तेजी से खुद को अलग कर लिया। हम हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं और भारत और चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा करने की अपील करते हैं। जबकि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा है कि अमेरिका ने इस बात को देखा है कि चीन LAC के क्षेत्र में सेना की तैनाती के साथ ही सैन्य ढांचे का भी निर्माण कर रहा है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे को विपक्ष ने बुधवार को जोर शोर से संसद के दोनों सदनों में उठाया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी मांग की कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव रखा था कि वो इस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कोई जानकारियां नहीं दी हैं। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराती है तो सदन में बैठने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सेना के साथ खड़ी है। हंगामा बढ़ने के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। तवांग के मुद्दे पर संसद के शीत सत्र में लगातार हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा में भी कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसदों का नेतृत्व सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने किया। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा में समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, रोजाना एक ही मामले को बार बार मेंशन करने का क्या फायदा है, हम इस केस को लिस्ट करेंगे, ये बहुत ही इरिटेटिंग है। बता दें, बिल्किस बानो ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले की सुनवाई से मंगलवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया था। बानो के मामले की सुनवाई के लिए CJI को अब एक नई बेंच का गठन करना होगा जिसमें जस्टिस त्रिवेदी हिस्सा नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाकर विशेष दर्जा को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को CJI DY चंद्रचूड़ ने सूचीबद्ध करने पर सहमति जता दी है। लाइव लॉ के अनुसार CJI चंद्रचूड़ ने कहा, हम विचार करेंगे और तारीख बताएंगे। बता दें, इससे पहले भारत के पूर्व चीफ जस्टिस UU ललित ने कहा था कि दशहरे की छुट्टी के बाद याचिकाओं को निश्चित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि याचिकाएं सूचीबद्ध नहीं हुई। मालूम हो कि याचिकाओं को 2 मार्च 2020 के बाद सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को रिमांड पर ले लिया है। उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 59 वर्षीय अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक जेल में बंद हैं। ईडी ने पिछले साल इस मामले में पूर्व विधायक से पूछताछ की थी। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और बहनोई आतिफ रजा को गिरफ्तार किया था। उन पर अलग अलग बैंक खातों के जरिए कई करोड़ के नकद लेन देन का आरोप है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग पर विवाद हो गया। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म पठान की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पहनावे पर आपत्ति जताई। नरोत्तम मिश्रा ने दीपिका पादुकोण को कथित टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक बताते हुए कहा कि फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। गाने के दृश्यों और वेशभूषा को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, ये विचारणीय होगा। बता दें, अभिनेत्री के कपड़ों के कलर को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। बता दें, जनवरी 2020 में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण उस वक्त जेएनयू गई थी जब जेएनयू में कुछ नकाबपोश लोगों ने छात्रों और अध्यापकों के साथ मारपीट की थी और उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनको खेल एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री बनने के बाद उदयनिधि ने कहा, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने की हर संभव वो कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने कहा है कि कतर में चल रहा फीफा वर्ल्ड कप उनका आखिरी विश्व कप होगा। पहले सेमीफाइनल मैच में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल रविवार 18 दिसंबर को खेला जाएगा। क्रोएशिया के खिलाफ मैच के बाद मेसी ने अर्जेंटीना मीडिया आउटलेट डीआरयो डेपोर्टिवो ओले से कहा, मुझे विश्व कप के अपने सफर को फाइनल में खेलकर समाप्त करके बहुत खुशी होगी। अगले विश्व कप में कई साल हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें खेल पाऊंगा। इस तरह सफर समाप्त करना शानदार है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पहले ही रणजी मैच में शतक लगा दिया है। गोवा की ओर से खेलते हुए अर्जुन तेंदुलकर ने राजस्थान के खिलाफ 177 गेंदों में शतक लगाया। वो एस प्रभुदेसाई के साथ क्रीज पर टिके हुए हैं। दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत गोवा ने 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। बता दें, सचिन तेंदुलकर ने भी 1988 में अपने पहले रणजी मैच में शतक लगाया था। सोशल मीडिया पर कई लोग अर्जुन और सचिन तेंदुलकर की तुलना कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने 6 विकेट खोकर 278 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत सही नहीं रही और शुरुआती 48 रनों के भीतर ही 3 विकेट गिर गए। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला। पुजारा 90 रन बनाकर तायुजुल इस्लाम का शिकार हुए, तब भारत का स्कोर 261 था। इसके बाद आए अक्षर पटेल, जिनकी आखिरी गेंद पर 14 रन बनाकर LBW हो गए। क्रीज पर श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर टिके हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।